हे एवरीवन, लास्ट टाइम हमने क्या क्या किया था अगर आप ध्यान दोगे तो हमने ये फिनिश किया था, कंपनी हमने क्रिएट करा था, उसके अंदर हमने डिटेल्स डाली थी, कैसे टेबल क्रिएट करते हैं ये बताया था, कैसे हम मेन पेज दिखाते हैं, पोस्टग्रेएसक्यूएल कैसे कनेक्ट करते हैं, मेजरली वही हम बात करें। इसके बाद मैं आपको एक और दो तीन चार चीज़ें दिखाना चाहता हूँ जो आपको बाद में यूजफुल होंगी। जैसे कि अभी अगर मुझे, जैसे लोकल होस्ट हूँ, ठीक है, अब अगर मैं अपने ये जो मैंने कंपनी के नाम से अगर कंट्रोलर क्रिएट किया है तो अगर वो देखना है, तो अगर मैं उसको ओपन करूँगा तो लोकल होस्ट 8080/company/index आ रहा है और इसमें मेरे माई ऐप के बारे में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, तो ऐसा क्यों नहीं दिख रहा? मेरे URL बेसिकली तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये कैसे फिक्स करा है। तो इसके लिए मैंने इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, सर्वलेट में जाके चेंज करना होता है। जैसे इस टाइप का कोड है, सर्वर सर्वलेट कंटेक्स्ट पाथ, अगर आप ये ऐड करेंगे कहाँ पे बताता हूँ, इसको आपको ऐड करना होगा application.yml। यस, application.yml में जहाँ पे कहीं भी आके नीचे करता हूँ, इम्पोर्टेंट ये है कि इसका जो एंड है वो सर्वर जो है पुनः स्टार्ट होना चाहिए, तो स्टार्ट से स्टार्ट होना चाहिए। और अगर मैं अब इसको रन करूँ, ठीक है, आई थिंक रन हो चुका है, तो जो होम पेज है वो कुछ ऐसा दिखेगा, URL चेंज हुआ, हाँ वो ठीक है। अब अगर मैं इस पर माई कंपनी कंट्रोल पर क्लिक करूँगा तो फिर ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने कुछ कंटेंट नहीं डाला इंडेक्स के अंदर, अगर मैं इंडेक्स के अंदर कुछ कंटेंट डालूंगा, अगर हाय माय इस कंपनी, अगर मैं सेव करता हूँ, ओके ऐसा कुछ दिख रहा है, बट मैं चाहता हूँ कि जो जो मेन मेन्यू है इसका, जो होम पेज है इसका, इसका हेडर और फुटर दोनों आए, तो वो कैसे करा जाए? अब देखते पहले एक बार कि इसमें कैसे काम हो। मैंने हेडर और फुटर के नाम से एक फाइल पहले से क्रिएट कर ली ताकि आपको दिक्कत ना हो, और छोटी मोटी चीज़ें जो आपको बताना बहुत ज़रूरी है, लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड कर दी उसमें कम्प्लीट नहीं हो पाया था और कुछ इशू आए, तो उसको वजह से मुझे एक न्यू वीडियो बनानी पड़ेगी। तो इस वीडियो में बेसिकली बहुत सिंपल रहेगा कैसे हम हेडर फुटर लगाते हैं, कैसे रेंडर का इस्तेमाल करते हैं, कैसे हैज मेनी का यूज करते हैं, और कैसे हम मेटा का यूज करते हैं, मेटा कैसे यूज करते हैं। तो एक बार पहले देख लें कि क्या क्या चीजें डिस्प्ले हो रही है। जैसे यहाँ पे लेआउट मेन लगा रखा है, इससे थोड़ा कुछ समझ में आ रहा है कि मेन का यूज हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, तो ये बेसिकली क्या है बॉडी, अगर मैं इधर कुछ लिखूं तो कहाँ पे विजिबल होना चाहिए, ऊपर आना चाहिए या इसमें आना चाहिए, बॉडी के अंदर, लॉजिकली बॉडी के अंदर आना चाहिए। सो इस बॉडी के अंदर, मतलब कि जो ये इसका हेड है और फुटर है वो कहीं पे लिखा गया, और वो बेसिकली किस में है, मेन में, मतलब जो मेन डॉट जी एस पी यहाँ पे रिबन। तो अगर मैं इसमें कुछ चेंज करने की कोशिश करूँ, जैसे कि लेआउट हेड, लेआउट बॉडी, ओके, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है जो बहुत ज़रूरी है आपको समझने का, कि लेआउट के हेड क्या होता है, लेआउट बॉडी क्या होती है। सो लेआउट बॉडी बेसिकली यही है कि जो भी आपका पेज डिस्प्ले हो रहा है वो बेसिकली लेआउट बॉडी की जगह रिप्लेस होगा उसका, मतलब जो इंडेक्स का जो बॉडी थी, जो भी यहाँ से बॉडी थी वो सारी की सारी यहाँ पे डिस्प्ले होगी, और जो उसका फुटर था लेआउट बॉडी और जो उसका लेआउट हेड है वो यहाँ से कॉपी हो जाएगा। कहाँ से कॉपी होगा? इंडेक्स का जो हेड है वहाँ से कॉपी होगा। और सिमिलरली आप टाइटल्स भी कर सकते हो कॉपी, बेसिकली आपको रीराइट नहीं करना पड़ेगा हर एक पेज के लिए इंडिविजुअली, और कोडिंग प्रैक्टिस थोड़ी अच्छी बना देता है। चलो अब यहाँ से शुरू करते हैं, एक नैव बार बनाते हैं,
मैं चाहता हूँ कि मेरा हेडर और फुटर सेपरेट उसमें रहे, तो ये कुछ ऐसा रहेगा, और मैं चाहता हूँ मेरा फुटर कहीं और रहे, ठीक है, फुटर की फाइल में बेसिकली footer.js में। अब अगर मैं इसको सेव करूँ तो आपको क्या लगता है क्या दिखना चाहिए? ओके, फुटर में कुछ चीज़ें रह गई, हेडर फुटर, ठीक है। चलो अब यहाँ पे बेसिकली अब क्या क्या चीज रह गई है, मैंने कुछ मेंशन नहीं किया है देखो। सो ये एक इंडिविजुअल दो फाइल्स है, बिग मेन है, ठीक है, लेआउट हेड है। तो लॉजिकली आपके हिसाब से क्या आना चाहिए होम पेज पे अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो? तो मेरे ख्याल से हेडर जो है वो गायब हो जाना चाहिए, फुटर थोड़ा गायब हो जाना चाहिए दोनों दोनों, ठीक है। तो अगर उसको रिफ्रेश करूँ तो यस दोनों गायब हो गए। अच्छा ये पहले हटा दूँगा, कहाँ गया इंडेक्स में, छोटी मोटी चीज़ें ये भी दिखाना है कि अगर मैं इसको चेंज करूँ, हाय माय आई एम सचिन, ओके, अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो मेरा यहाँ का टाइटल चेंज होगा, ठीक है। सो जो भी सारी चीज़ें हैं वो मेन पर डिस्प्ले हो रही हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे हेडर दिखे और फुटर दिखे, तो उसके लिए सिंपल सा एक टैग होता है जो यूज़ करते हैं, जो जी जो ग्रेस प्रोवाइड करता है, उसका नाम है जी रेंडर। अगर मैं कंट्रोल स्पेस दबाऊंगा तो ये ड्रॉप डाउन खुलता है। टेम्पलेट में मुझे सिंपली टेम्पलेट का नाम लिखना है, और अगर आपको कोई टेम्पलेट क्रिएट करना तो उसको क्रिएट कैसे करते हैं, जैसे राइट क्लिक किया न्यू जीएसपी देन अंडरस्कोर हेडर ऐसे लिखना होता है। और रिमेंबर दो फाइल दो नेम के सेम फाइल लिखना सही नहीं है। और यहाँ से अभी अगर मैं हेडर कंट्रोल स्पेस, अच्छा तो ये भी चीज़ ज़रूरी सी, अगर मैं अभी डायरेक्ट हेडर की ढूंढने की कोशिश करूँगा तो हेडर मुझे नहीं, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले स्लैश लगाना पड़ेगा, कंट्रोल स्पेस, लेआउट्स का पेज पे आ गए, जैसे पहले मेंस बैक आया अपने पेज पे, लेआउट पे आया, ठीक है, फिर से मैंने स्लैश दबाया तो अब इसके अंदर आएगा वो फुटर या हेडर। अब क्योंकि मुझे ऊपर बनानी है बॉडी के तो मैं हेडर रखूँगा, ठीक है, क्लोज करने के लिए स्लैश। सो इस तरीके से हम एक रेंडर क्रिएट करते हैं, रेंडर टेम्पलेट क्रिएट करते हैं, और टेम्पलेट दिखाने के लिए सिर्फ हेडर रखना पड़ता है। अगर मैं इसको एज्यूम करूँ, इसको हटा तो फिर मैं रीनेम करता हूँ इसको, ठीक है। तो रीनेम के लिए रीफैक्टर यूज़ करना होता है। रीफैक्टर क्या करता है कि जहाँ जहाँ सेम नेम का मिले उन्हें वो वहाँ, जहाँ जहाँ इस हेडर फाइल को यूज़ करा गया बेसिकली यही है, उसकी नेमिंग चेंज कर देता है और कुछ नहीं, ठीक है। अब जैसे अगर मैं इसको हेडर का अंडरस्कोर हटाता हूँ, ठीक है, देन एक एरर देता हूँ, रेड मार्क दिया इसने, क्या देखो, क्रिएट टेम्पलेट अंडरस्कोर हेडर, क्योंकि टेम्पलेट क्रिएट करने का सिर्फ एक ही तरीका है, अंडरस्कोर पहले लिखूंगा, ठीक है। अगर मैं राइट, अब मैं इसको फिक्स को वापस करता हूँ, ई फैक्टर रीनेम अंडरस्कोर हेडर, ठीक है, सेव किया। अब बताओ क्या दिखेगा, आपको पता है क्या दिखेगा, ठीक है। तो इसको मैं अब यह ओपन कर दूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो मुझे हेडर दिख रहा है। अब मैं चाहता हूँ मुझे फुटर भी दिखे, तो सिंपल है, जी रेंडर टेम्पलेट ओके स्लैश लेआउट्स स्लैश फुटर, ठीक है, ठीक है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, तो मेरे हेडर फुटर्स अलग हो गए, ठीक है, हाँ नाइस। अब क्रिएट हूँ, हाय माय नेम इज कंपनी, ओके। सो यहाँ पे हेडर फुटर नहीं दिख रहा इवन, बट क्यों, ऐसा क्यों? सो उसका सिर्फ एक ही रीज़न कि जहाँ मैंने अपना कंपनी का इंडेक्स क्रिएट किया उसके अंदर मैंने मेटा का कोई जिक्र नहीं किया। मेटा का जिक्र करने का सिंपल तरीका है, जिस तरीके से मेन में किया है, आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं इसके अंदर,
सो मेटा के अंदर नहीं, माय बैड, इंडेक्स के अंदर यहाँ मेटा लेआउट कंटेंट मेन उसका यूज़ किया गया। तो अगर मैं इधर कॉपी पेस्ट करूँ और ये फ्रेश मारूँ तो हेडर फोटो मुझे दिखना चाहिए। नाइस, हेडर फोटो दिख रहा है। ओके, इतना काफ़ी है आज के लिए, और मैं इसके बाद आपको एक न्यू वीडियो बनाऊंगा जिसपे समझाऊंगा कि कैसे हैज मेन यूज करते हैं, कैसे हैज वन यूज करते हैं, और हेडर्स फुटर्स बूटस्ट्रैप से कैसे लगाते हैं, ये सारी चीज़ें मैं छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा।